दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन आप डिजिटल सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस का कैश ओपन कर सकते हैं। देखो भैया, मजे की बात तब आती है कि जब हम जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करें और वहां पर हमें सारी चीजें फ्री मिल जाए, चाहे हम डेबिट कार्ड की बात कर ले, चाहे हम चेकबुक की बात कर ले, या फिर हम पासबुक की बात कर ले, सारी चीजें हमें यहाँ पर फ्री मिल जाती है। तो यहाँ पर चलिए हम कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने से पहले यहाँ पर कुछ इसके क्राइटेरिया यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन है, 16 से 25 साल के एज वाले ही इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, लेकिन जो माइनर है उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 से 25 एज के लोग ही यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर पाएंगे और जो उससे नीचे है और उनको ब्रांच विजिट करके अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अकाउंट कैसे ओपन करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे, अकाउंट ओपनिंग पेज रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेविंग अकाउंट रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट में आपको बड़ौदा सेविंग फैमिली अकाउंट मिल जाएगा, यहाँ पर इस अकाउंट को आपको नहीं ओपन करना, और ये अकाउंट भी आपका जीरो बैलेंस का, लेकिन ये अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट के लिए। यहाँ पर दूसरा आपको मिल जाता है बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट, और तीसरे में मिल जाएगा बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। देखिए यहाँ पर दोनों अकाउंट भी जीरो बैलेंस के हैं, आप देखेंगे दोनों अकाउंट आपके ऑनलाइन ओपन होंगे। तो दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस समझ लीजिए कि अगर लाइट सेविंग अकाउंट आप ओपन करेंगे तो अगर आप रूरल एरिया से हैं तो 1000 रुपए आपको अपने बैलेंस पर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा, और अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो 2000 रुपए, और मेट्रो सिटी से हैं तो आपको 3000 फंड मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट है इनका, ये जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट है, कोई भी फंड मेंटेन नहीं करना पड़ेगा और आपको पर्सनलाइज रुपए डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, सिंगल नेम अकाउंट चाहते हैं या फिर ज्वाइंट अकाउंट चाहते हैं। तो जैसे सिंगल नेम अकाउंट हम चाहते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पैन कार्ड आधार कार्ड अपने साथ रखना है, और यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो आपको अपने साथ रखना है, वैलिड ईमेल आईडी, इंटरनेट कनेक्शन, कैमरा माइक्रोफोन को एक्सेस करने के लिए परमिशन अलाउ करेंगे, सेटिंग से लोकेशन आपको इनेबल करना है, यानी वीडियो कॉल के थ्रू आपकी केवाईसी होगी, वो आपको आगे देखना है। देन यहाँ पर आपको डू यू वांट टू प्रोसीड, देन यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप यस करेंगे अकाउंट ओपनिंग पेज पर आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जितने भी आपसे परमिशन मांगता है परमिशन आप अलाउ करेंगे। फोर स्टेप में देख सकते हैं कि आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, बेसिक डिटेल्स देंगे, पैन कार्ड आधार कार्ड, उसके बाद एड्रेस और ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर नॉमिनेशन और एडिशनल डिटेल्स आप देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसी नंबर से आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे, दूसरे अकाउंट से आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। देन नीचे यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर देंगे उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, नीचे यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि भर भर के यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन मिल जाती है, सभी टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, और यहाँ पर डिक्लेरेशन मिलेगा, डिक्लेरेशन भी यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट, यहाँ पर जनरल टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट, और यहाँ पर क्लिक यू टू केवाईसी, यहाँ पर एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पर मेल आईडी आप डालेंगे तो आपके मेल पर एक लिंक सेंड किया जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीओबी की तरफ से हमें एक मेल आ गया है, इस लिंक पर हम क्लिक कर देंगे, और जैसे हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोडिंग लेगा, थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है, और जैसे यहाँ पर लिंक आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, और यहाँ पर लैंग्वेज का सिलेक्शन रहेगा, यहाँ पर इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है, देन नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और जैसे आपका आधार डिटेल्स वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपके आधार कार्ड से काफी डिटेल्स ये मैच कर लेता है, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका एड्रेस बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाता है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा अकाउंट का टाइप, तो यहाँ पर अकाउंट टाइप में एडवांटेज सेविंग अकाउंट देख सकते हैं रहेगा, इसको आपको ब्रो सेविंग अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप ब्रो सेविंग अकाउंट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका एडवांटेज प्रीमियम अकाउंट रहेगा, आपको फंड मेंटेन करना पड़ेगा और आपको जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रह जाएगा। देन यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप चेंज करके आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे एक बार आप प्रोसीड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पर आपको फादर नेम अपना देना है, फादर का टाइटल, फादर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, और उसके बाद मदर्स का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर आपको देना है, और उसके बाद मदर्स मैडन नेम आ जाएगा, यहाँ पर मदर्स मैडन नेम डालेंगे, ऑक्यूपेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ यहाँ पर डिपेंडेंट्स आप सेलेक्ट कर लेंगे, डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, बाद प्लेस ऑफ बर्थ मिल जाएगा, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स आपको फिल करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इनकेस कोई भी आपके साथ घटना हो जाती है तो जो भी आपके अकाउंट का बैलेंस होता है आपके नॉमिनी को मिल जाता है। तो नॉमिनी का सबसे पहले नेम देंगे, उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी के साथ क्या आपका रिलेशनशिप है, और नॉमिनी का आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको देना है, और यहाँ पर नॉमिनी के एड्रेस में सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, तो जो आपका एड्रेस रहता है वही आपके नॉमिनी का एड्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर नॉमिनी का यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे, एड्रेस बाय डिफॉल्ट आपका नॉमिनी का ले लेगा।
देन यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और जैसे आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पर एडिशनल सर्विसेज आ जाएंगी। एडिशनल सर्विसेज में डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS अलर्ट, UPI, चेकबुक, जितनी भी सर्विसेज रहती हैं आप यहाँ पर टिक मार कर देंगे। सभी सर्विसेज आपको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के बाद लाइव कर दी जाएंगी, फ्री में आपको सभी सर्विसेज मिल जाती है। और देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक बार नेक्स्ट कर लेते हैं तो पूरा फॉर्म आपके सामने प्रीव्यू करा दिया जाएगा। देख सकते हैं कि आपका बेसिक डिटेल्स, आपका अदर्स डिटेल्स और जो भी आपका यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स होता है, आपका सारे डिटेल्स यहाँ पर प्रीव्यू करा दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी डिटेल्स आपने जो फिल किया है उसको यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। और देन यहाँ पर आपको प्रोसीड करेंगे, उसके बाद काउंसलेशन आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो KYC अपनी कंप्लीट करनी है, कंप्लीट योर वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आपके नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहां पर डालेंगे। अगर आप यहां पर ऐसे टाइम पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं जो नॉन वर्किंग डे हो या फिर नाइट में अकाउंट ओपन करेंगे, तो यहां पर आपको वीडियो KYC के लिए शेड्यूल करना होगा। वीडियो KYC आपकी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के बीच में आप वीडियो KYC शेड्यूल कर सकते हैं। जो भी डेट और टाइम को आपको यहाँ पर KYC करना है, उस डेट और टाइम को आपको यहाँ पर शेड्यूल कर लेना है और आपको अपनी वीडियो KYC कंप्लीट कर लेनी है। और जैसे आपकी वीडियो KYC कंप्लीट होगी, सक्सेसफुली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो अकाउंट डिटेल्स होता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको मिल जाता है, और इस तरीके से आप जो है तो अपना एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल एप्लीकेशन यूज करके आप अपने अकाउंट को काफी हद तक अपने मोबाइल बैंकिंग से मैनेज कर सकते हैं। दादू आपको बैंक जाना था ना, आई ड्रॉप यू। हां याद आया, ये बैंक आ गया। थैंक्स फॉर द लिंक ब्रो। बॉब वर्ल्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस तरीके से दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में आप ऑनलाइन एक डिजिटल सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस का ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।